हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिर्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में कुछ पढ़ाई की बात नहीं आने वाली, पर हाँ आपकी काम ज़रूर आने वाली है ये वीडियो। तो काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ पेल्विस के मॉडल बनाए थे, पेपर मॉडल बनाए थे, तो उसमें कमेंट आ रहे थे यार कि प्लीज़ हमें बताइए कि कैसे इसको हम ईजिली बना सकते हैं अपना आप भी। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो कुछ ये मॉडल है, ठीक है। पेपर पेल्विस काफ़ी ईजीली बन जाता है एंड काफ़ी काम भी आता है, क्योंकि देखो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास बोन अवेलेबल हो, ठीक है। तो अगर आपके पास पेपर पेल्विस है तो आप काफ़ी इजीली पॉइंट्स याद रख सकते हैं, अपने जो मार्किंग्स हैं यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एग्जाम से पहले आप क्या करेंगे, अगर अपनी बोन को भी देखेंगे ना, जिसमें सारे आपके नोट्स भी लिखे हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो आपको काफ़ी ईजिली याद रहने वाली चीज़ें, ठीक है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। चलो लेट्स सी। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक ऐसा कार्डबोर्ड के पीसेस लेने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप एक पतला सा कार्डबोर्ड लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर वाइट पेपर ऐसे चिपका के ला सकते हैं, या तो माउंट बोर्ड लेके आ सकते हैं जो ऑलरेडी वाइट होता है, या तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी पुरानी आपकी जो बुक्स होती है, नोटबुक्स होती हैं, उनकी बाहर का जो यू नो कार्डबोर्ड होता है, ठीक है, उनका जो कवर होता है, आप उनको लेके उसको ज्वाइन करके ऐसा कुछ बना सकते हैं ताकि आपका ऐसे डबल लेयर वाला आ जाए। क्यों, इसमें हम क्या करेंगे, आपका जैसे स्टेंसिल्स होते हैं कि ऑलरेडी एक बना रहता है डायग्राम, आपको सिर्फ उसे कट करना है, तो वैसे हम क्या करेंगे कि कुछ इस वे में आपको लेना है, ये शीट लेना है। अब ये शीट आपको कहाँ मिलेगी, ये जो आपको फोटो दिख रही है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ इसके ऊपर चिपकाना है इसे अपने जो कार्डबोर्ड है, ठीक है, जो डबल लेयर होगा ऐसे इस टाइप में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर चिपकाना है इसको। तो हम फटाफट इसको चिपका लेते हैं पहले। ओके, एक बार अच्छे से चिपक जाए तब आपको क्या करना है, जब आपको कटआउट दिख रहे हैं इस कटआउट में आपको काटना है, ठीक है। तो हम फटाफट इसको कटआउट को इसको काटते हैं। तो यस, आपके सामने ये रेडी हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे कुछ इस वे में, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज़ द ओपन आपका पेल्विस। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन्स हैं, ठीक है, इस डॉटेड लाइन से इसको यहाँ से फोल्ड करना है कुछ इस वे में ऐसे, ठीक है, एक साइड। एंड सेम आपको ये दूसरे साइड पे भी करना है, जैसे यहाँ पे सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है। ठीक है, हमने दोनों साइड कर दिए। देन क्या करना है आपको, देन आपको सो कुछ इस वे में राउंड शेप करना है ऐसे, देखो ऐसे, और इसको भी कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आपको अब दिख रहा होगा ये क्या शेप ले लिया है इसने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी जो दोनों फ्रंट पोर्शन है, दैट इज़ आपकी जो दोनों प्यूबिस बोन होंगी, इनको पहले हम जोड़ लेते हैं। तो पहले आप टेम्परेली ज्वाइन करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ से स्टेपल कर सकते हैं कुछ इस वे में, इनको पहले साथ में रखेंगे और फिर एक एक स्टेबल कर देंगे, ठीक है, एक यहाँ से और यहाँ से भी कर देते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या होगा, आपका थोड़ा अच्छे से टिक जाएगा। ये देखो अच्छे से हमने स्टेबल कर दिया, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। तो कुछ इस वे में आपका ये पेल्विस यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे, इसको पीछे की ओर मोड़ेंगे, आपके किसको, सेक्रम को, जो सेक्रल बोन है इसको थोड़ा पीछे की ओर मोड़ेंगे थोड़ा सा, और इसको फिर आगे की तरफ, ताकि वैसा शेप आ जाए इसका, है ना। तो ये रहा आपका फाइनली पेल्विस। आपके जो दोनों ईलियम वाला पार्ट है उनको थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे करेंगे, ठीक है, आउटवर्ड, इसको भी इस साइड से भी थोड़ा आउटवर्ड कर लेते हैं। तो ये रहा आपका पेल्विस कुछ इस वे में, ये देखो, है ना, लग रहा है ना। तो अगर आपके पास बोन नहीं है तो या दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू, ठीक है, काफ़ी चीज़ें समझने में, जैसे आपका ये वाला प्यूबिस बोन है, पीछे आ गए तो ये आपका ईशियम बोन है, ठीक है, ये बड़ा सा क्या है होल आपका, हमने ऑब्टूटर फोरामेन देखा है, दिस इज़ द एसिटेबुलम जहाँ पे आपका फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करता है, एंड दिस इज़ द ईलियम पार्ट, पीछे आपका है ये लास्ट लंबर वर्टिब्रा है, एंड दिस इज़ द सेक्रम एंड आपकी कॉक्सिस बोन, है ना।
तो कुछ इस वे में आप यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स सीख सकते हैं, ठीक है। आपका प्यूबिक ट्यूबिकल है, यहाँ पे आपका ये ईशियल स्पाइन है, ये वाले, इसको भी, हाँ इसको भी फोल्ड करना है आपको। देखो ये दो अंदर से आपको स्पाइंस दिख रही है ना, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। दीज आर द ईशियल स्पाइन है। और हमने अभी देखो, हमने काफ़ी चीज़ें सारी पढ़ी थी, तो एग्जैक्ट बोन रेप्लिका तो नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझने में हेल्प कर देगा ये, क्योंकि कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो हो। तो इस वे में आप बना सकते हैं आपका खुद का पर्सनल पेल्विस, ठीक है, काफ़ी इजी वे में। तो अगर आपको अच्छा लगता है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड हाँ, उसका PDF है इसके चार्ट का, वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ज़रूर से वहाँ पर ज्वाइन करके आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालो, एंड जो हमने आपको स्टेप्स बताए वो फॉलो करके आप अपना एक खुद का पेल्विस बना सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।